मूवी की शुरुआत में हम पेंग नाम के एक गूज को देखते हैं। सर्दियां अब आने वाली थी, इसलिए इन गूज का ग्रुप अब दूसरी जगह माइग्रेट करने वाले थे। पेंग हमेशा से अपने ग्रुप से अलग ही रहता था। उसे लगता था कि वो और से थोड़ा अलग है। वो और गूज की तरह डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसके ग्रुप का लीडर बिंज हमेशा से उससे परेशान ही रहता था, क्योंकि वो कभी उसकी बातों को फॉलो ही नहीं करता था। बिंज को भले ही पेंग पसंद नहीं था, पर बाकी सभी गूज का वो फेवरेट था। आगे हम दो डकलिंग्स भाई बहन को देखते हैं, जिनका नाम चाओ और ची था। चाओ थोड़ा शरारती था, इसलिए उसकी बड़ी बहन होने के नाते ची उसका हमेशा ख्याल रखती थी। उनके डक्स का ग्रुप भी किसी सफर पे था। पिंक की गर्लफ्रेंड का नाम जिंग था और ये उसके लीडर बिंज की बेटी भी थी। पिंग जिंग के साथ मस्ती करने लगता है और इसी के चलते उसका बैलेंस बिगड़ता है और पिंग उन डक्स के ग्रुप से टकराता हुआ पास के नदी के साइड में गिरता है, जहाँ उसका दोस्त लैरी नाम का टर्टल होता है। जिंग उसके पास आती है और कहती है कि उसके डैड उस पर बहुत ज़्यादा नाराज हैं। तभी उसके डैड वहाँ आते हैं। वो सबको बताते हैं कि इस बार सर्दियाँ जल्दी आने वाली है, इसलिए उन्हें अपनी माइग्रेशन स्पीड बढ़ानी होगी और अगर पेंग की ऐसे ही हरकतें रहीं तो हम कभी भी टाइम पे माइग्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिंज पेंग को अपने ग्रुप से निकाल कर छोटे गूज के साथ उड़ने को कहता है, पर बिंज इसके लिए मना कर देता है। वो कहता है कि वो अकेला ही सफ़र कर लेगा और उन लोगों से पहले ही वहाँ पहुँच कर दिखाएगा। जिंग उससे कहती है कि अकेले तो कोई भी उड़ सकता है, लेकिन जो अपने ग्रुप को साथ रखे वही एक अच्छा लीडर है। और वो भी चली जाती है। पेंग की वजह से ची और चाओ अपने ग्रुप से बिछड़ गए थे। वो दोनों एक पाइप के अंदर छुपे थे क्योंकि एक खतरनाक जंगली बिल्ला उसे खाने की फिराक में था। वो दोनों अंधेरा होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वहां से सही सलामत वो निकल सके। पेंग का दोस्त लैरी उसे समझाता है कि तुम अपने ग्रुप के साथ क्यों नहीं चले जाते। पेंग कहता है कि उन्हें आज जाने दो, वो कल अपना सफर शुरू करेगा और उनसे पहले पहुँच कर दिखाएगा। बाकी सभी गूज ग्रुप बनाकर अपने माइग्रेशन के सफर पर निकल जाते हैं। जिंग थोड़ा नाराज थी पेंग की वजह से, क्योंकि उसे उसकी फिक्र थी। अब रात हो चुकी थी। ची और चाओ वहाँ से बाहर निकलने का सोचते हैं, तभी वो बिल्ला उन पर हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। उनका पीछा करता हुआ वो बिल्ला पेंग से मिलता है। पेंग उसे मार मार कर वही नदी में डाल देता है, जिसमें वो डूब जाता है। ची और चाओ ये देखकर पेंग से काफ़ी इंप्रेस हुए। पेंग वहीं पे सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे वो दोनों डकलिंग्स अपने नीचे सोए हुए दिखाई दिए। चाओ उसे अपनी मॉम समझकर उससे चिपट गया। ची उसे रोकने की कोशिश करती है। वो पेंग से कहती है कि उसका भाई अभी छोटा है और उसने अपनी मॉम को नहीं देखा, इसलिए वो उसे ही अपनी मॉम समझ लिया है। ची पेंग से कहती है कि उसी के कारण वो लोग अपने ग्रुप से बिछड़ गए और यहाँ फंस गए। वो उससे पूछती है कि क्या वो उनकी मदद करेगा, पर पेंग कहता है कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपने बाकी के ग्रुप के पास जाना है। और वो वहाँ से उड़कर जाने लगता है, पर वो देखता है कि चाओ उसके पीछे के पंख में लटका हुआ है। वो उसे अपने से छुड़ाने की कोशिश करता है और इसी के चलते वो वहाँ के टंगे एक बड़े से प्लेट से जाकर टकरा जाता है और वहीं गिर जाता है। तभी वो प्लेट टूटकर गिरता है और उसके एक पंख को कुचलते हुए नदी में गिर जाता है। उसका एक पंख अब डैमेज हो चुका था, अब वो उड़ नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, वो कैसे इस हालत में माइग्रेट कर पाएगा। उसे अब ये पूरा सफ़र चल कर तय करना होगा और रास्ते में उसे बहुत से खतरनाक जानवरों का भी सामना करना पड़ सकता है। तब उसे आइडिया आता है और वो ची और चाओ को अपने साथ ले जाने का सोचता है, ताकि कोई खतरा अगर आए भी तो वो उन दोनों को आगे कर देगा। वो ची और चाओ से बात करता है कि वो उनकी मदद करने को तैयार है। वो उन्हें अपने साथ चलने को कहता है और उनसे कहता है कि वो उनके ग्रुप से मिलवा देगा। वो उन दोनों को अपने साथ लेकर निकल जाता है। इधर लैरी को नदी से वही जंगली बिल्ला निकलता हुआ दिखाई देता है। वो लैरी को पकड़कर उन तीनों के बारे में पूछता है। डर के मारे लैरी उसे सब कुछ बता देता है कि पेंग अब उड़ नहीं सकता है, उसका एक पंख डैमेज हो चुका है और वो तीनों ये सफर चल कर तय करने वाले हैं। ये सुनकर वो बिल्ला काफी खुश हो जाता है कि आज वो उस गूज का भी शिकार करेगा। वो तीनों चलते चलते थक चुके थे और अब तो बहुत बारिश भी हो रही थी, बिजली भी तेजी से कड़क रही थी। उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो वहाँ के रहने वाले चिकन से पूछते हैं कि क्या वो एक रात के लिए यहाँ रुक सकते हैं, और वो तीनों पूरी रात वहीं आराम करते हैं और सुबह फिर से तीनों अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं। वो बिल्ला उनका पीछा करता हुआ उन चिकन्स तक पहुंच चुका था। वो उन्हें डराकर उनके बारे में पूछता है कि वो किधर गए हैं। पेंग को रास्ते में एक लेडी दिखाई देती है जिसके पास साइकिल थी। वो उनकी साइकिल चुराकर भागने लगता है और एक पत्थर पे ठोकर लगने से वो एक लॉरी में जाकर गिरते हैं, जिसमें बहुत सारे पिक्स भरे थे। वो बिल्ला अब उनके काफ़ी नज़दीक आ चुका था, पर लॉरी से पिक के गिरने की वजह से वो बिल्ला उसी में दब जाता है। अब वो तीनों कोई जंगल में आ चुके थे और पेंग अब पूरी तरह से थक चुका था। ची और चाओ उसे किसी तरह जगाते हैं। पेंग उन दोनों को उड़ने को कहता है। वो उन दोनों को ऊपर फेंक देता है और कहता है कि वो उड़ सकते हैं। कुछ देर तो उन्हें भी लगता है कि वो वाकई में उड़ सकते हैं, पर बहुत जल्द वो नीचे गिर जाते हैं। वो दोनों पत्तों के ढेर में गिरते हैं। पेंग उन्हें बाहर आने को कहता है, पर चाओ वहाँ नहीं था, वो पास के एक गुफा में घुस गया था। पेंग और ची डरते डरते उस गुफा के अंदर जाते हैं। अंदर बहुत अंधेरा था,
थोड़ा आगे चलने पर उन्हें रोशनी दिखाई देती है। वहाँ बहुत सारे जुगनू चारों तरफ रोशनी फैला रहे थे। अभी वो लोग वहाँ ये सब का मजा ही ले रहे थे कि तभी उन्हें वो बिल्ला दिखाई देता है। वो जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं। पेंग उसे किसी तरह वहीं रोकने की कोशिश करता है। वो तीनों उस बिल्ले से बचते हुए उस गुफा से बाहर आते हैं और वो तीनों एक झरने में बहते हुए कहीं दूर पहुँचते हैं। तभी ची देखती है कि उन्होंने उस रोड को ढूंढ लिया है जिसमें उसके ग्रुप से आगे बढ़ रहे थे। तभी कुछ दूर पर पेंग को अपना ग्रुप दिखाई देता है। वो चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं देख पाते हैं। पेंग उन दोनों पे गुस्सा करने लगता है कि वो उनकी वजह से स्लो हो गया और अपने ग्रुप को नहीं पकड़ पाया। वो उन दोनों को छोड़कर आगे बढ़ जाता है ताकि अपने ग्रुप को किसी तरह आवाज देकर बुला सके, पर भागते भागते वो एक पहाड़ से लटक जाता है। तभी एक उड़ती हुई चीज उसकी ओर आती है और उसे वहां से धक्का देकर पास के पहाड़ी पर ले जाती है। वो कार्ल नाम का एक गिलहरी था। वो उससे कहता है कि उसके टूटे हुए पंखों को वो ठीक कर सकता है और अपने अतरंगी इलाज से वो उसके पंखों को ठीक करने लगता है। ची और चाओ अब अकेले ही आगे बढ़ रहे थे। वो दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि वहां चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। पेंग के पंख में कार्ल एक डंडा बांध देता है और उसे उसके सहारे उड़ने की कोशिश करने को कहता है। वो उसे उस पहाड़ के नीचे फेंक देता है और उस डंडे की मदद से वाकई में अब पेंग उड़ पा रहा था। वो बहुत ज्यादा खुश था वापस से उड़कर। तभी उसे ची और चाओ की याद आती है और वो उन्हें ढूंढने निकल जाता है। ची और चाओ को भी चलते चलते अपने ग्रुप मिल चुका था। वो उसमें ज्वाइन हो जाते हैं। वो डक्स का ग्रुप अब एक शहर में पहुंच चुके थे। उन दोनों को अब थोड़ा डर सा लगने लगा था कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है। तभी उन दोनों को एक आदमी पकड़कर वहां से ले जाता है। पेंग भी तब तक उनका पीछा करता हुआ वहां पहुंच चुका था। उन सारे डक्स को एक होटल में लाया गया था जहां उन्हें मारकर लोगों को सर्व किया जाता था। पेंग सबसे छुपता हुआ उस होटल के किचन में पहुंचता है जहां वो आदमी उन दोनों को काटने वाला था। पेंग उस आदमी को किसी तरह डिस्ट्रैक्ट करता है और उन दोनों को अपने साथ भगाकर होटल से बाहर ले आता है। वहां की भीड़ में वो दोनों पेंग से बिछड़ जाते हैं। पेंग देखता है कि वो बिल्ला उन दोनों को पकड़े हुए है और उन्हें खाने की तैयारी कर रहा है। तभी वहां के फूटते पटाखों की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होता है। पेंग अचानक से उस पर हमला करता है और उसे गिरा देता है और वो उन दोनों को लेकर वहां से जल्दी भागने लगता है। पर बहुत जल्द वो बिल्ला उसे पकड़ लेता है और उसे लेकर पास के नदी में कूद जाता है। पेंग किसी तरह उससे बचकर बाहर निकलता है पर वो बिल्ला उनका पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला था। वो पेंग को मारने ही वाला था। तभी वो देखता है कि ची और चाओ ने उसके पीछे पटाखे बांध दिए हैं और तब फाइनली जाकर उस बिल्ले से उनका पीछा छूटता है। पेंग उन दोनों को अपने साथ लेकर चल देता है। अब सर्दियां आ चुकी थी, बर्फ भी पड़ने लगी थी, पर फिर भी वो तीनों आगे बढ़ते रहे और एक बर्फ के टूटने से वो नीचे गिर जाते हैं। ची और चाओ को वहां से कुछ दूर पर वो जगह दिखाई देती है जहां पेंग जाने वाला था, पर पेंग अब तक पूरी तरह से थक चुका था। वो उन दोनों को उसके बिना ही आगे जाने को कहता है पर वो दोनों कहते हैं कि वो उन्हें बिना लिए नहीं जाएंगे और वो दोनों पेंग को अपने ऊपर बिठाकर उड़ने लगते हैं, पर वो इतना भार लेकर ज्यादा नहीं उड़ सकते थे। वो दोनों गिरने लगते हैं। चाओ पेंग की आवाज में बाकी गूज को मदद के लिए आवाज देता है। आगे हम देखते हैं कि जिंग पेंग को अपने ऊपर उड़ाकर ले जा रही है। चाओ और ची भी उनके साथ ही थे। जिंग उसे सही सलामत वहां ले आती है। पेंग उसे सब कुछ के लिए सॉरी बोलता है। वो उसे उन दोनों भाई बहन ची और चाओ से मिल पाता है और उन्हें भी अपनी फैमिली के साथ ही रख लेता है। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।